अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 80, डील डन। लैला ने जिसे टीवी स्क्रीन पर देखा था वो उसे लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसने टीवी पर नजरें जमाए हुए ही नाम दोहराया, नरेन। इसका मतलब नरेन ने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया है। टीवी पर ही सही, लेकिन लैला अपने सामने नरेन को देखकर बेहद खुश थी। यहाँ तक कि वो नरेन से जुड़ी अपनी कड़वी यादें भी कुछ पलों के लिए भुला बैठी थी। इतने में मिश्रा जी कबीर को छोड़कर किसी दूसरे कस्टमर की तरफ बढ़ गए, तो कबीर ने पलटकर लैला को देखा। लैला अब भी स्क्रीन पर चल रहे नरेन की वीडियो देखी जा रही थी। कबीर ने जब उसे इतनी गौर से टीवी देखते हुए पाया तो कुछ कदम चलते हुए उसके नजदीक आकर बोला, मिस लैला, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। तुम खुद एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस होकर किसी टीवी सीरियल वाले बंदे को इतने गौर से देख रही हो। कबीर का ये कहना था कि जैसे लैला अपने ख्यालों से जागी। उसने जल्दी से कबीर की तरफ घूमते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत दिनों बाद टीवी देख रही थी ना, इसीलिए। कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। लैला की बात सुनते हुए जब कबीर की नजरें स्क्रीन पर पड़ी तो वो कुछ चौंकते हुए बोला, वैसे तुम्हें अगर ये लड़का इतना ही अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं इस लड़के को जानता हूँ। कहते हुए कबीर की नजरों में उस दिन वाला सीन घूम गया जब नरेन उससे मिला था। उसने वो मोमेंट्स याद करते हुए आगे कहा, बिल्कुल ही क्रेजी टाइप का लड़का है। एक बार सेट पर मिला था तो खुद को मेरा फैन बताते हुए अपनी चेस्ट पर मेरा ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था। तो अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो बताओ, मैं मिलवा दूंगा। कबीर का लहजा इतना दोस्ताना था, लेकिन फिर भी लैला को इस वक्त बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी, तुझे क्या जरूरत थी नरेन को इतने गौर से देखने की। फिर लैला ने कबीर का सवाल टालने के लिए हल्की सी स्माइल करते हुए पूछा, आपने टीवी ले ली? तो कबीर ने कहा, मैंने तो अपने लिए फाइनली सिलेक्ट कर लिया है, अब अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी ले लूं। वो क्या है ना, तुम अकेले घर में रहकर बोर हो जाओगी, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें भी टीवी ले ही लेना चाहिए। कहकर उसने मिश्रा जी को आवाज देना चाहा, लेकिन लैला ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं कबीर सर, रहने दीजिए, अभी तो मेरे घर का ही ठिकाना नहीं है, अभी से मैं टीवी लेकर कहाँ घूमती रहूंगी। तब कबीर ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा, कभी मेरी बात भी मान लिया करो, आज ना कल तो घर हो ही जाना है। कहकर उसने एक बार फिर से मिश्रा जी के लिए नजरें घुमानी शुरू कर दी। लैला को एहसास हो गया था कि वो उसे नहीं रोक पाएगी, इसलिए उसने जैसे एक पल में फैसला लेते हुए कबीर से कहा, ठीक है मैं टीवी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मैं अपनी पसंद का लूंगी और वो भी अपने पैसे से। लैला की शर्त सुनकर कबीर ने उसकी तरफ एक अजीब सी नजर से देखा और फिर जैसे हार मानते हुए बोला, ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी पसंद से और अपने पैसों से ही ले लो, मगर ले लो। और देखना, जब तुम अकेले घर में टीवी देखोगी ना तो तुम मुझे दुआएं दे रही होंगी। लैला उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई। फिर उसने अपने लिए वहां मौजूद एक मीडियम साइज का टीवी पसंद कर लिया। कबीर जब लैला को लेकर फ्लैट पर पहुंचा तो लैला वहां की लोकेशन देखकर ही इंप्रेस रह गई। ये जगह देखने से ही काफी महंगी लग रही थी। फ्लैट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती लैला के मन में बस एक ही बात चल रही थी, इतना खूबसूरत और इतने अच्छे लोकेशन में है ये फ्लैट, पता नहीं मैं इस फ्लैट का एक महीने का किराया भी दे पाऊंगी या नहीं। और कबीर सर ने तो इसे अपनी पहली प्रायोरिटी में रखा है, अब मैं कबीर सर को क्या बोलकर इस फ्लैट के लिए मना करूंगी। उधर कबीर उसके ख्यालों से अनजान फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए बोला, न जाने क्यों मुझे ये फ्लैट पहले ही लुक में पसंद आ गया था, अभी इसे अंदर से देखकर फाइनल कर देते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर तुम अभी से ही रह लेना,
मैं अश्विन के हाथ से तुम्हारे सूटकेस और बैग्स भिजवा दूंगा। कबीर कहता जा रहा था मगर लैला मन ही मन बस दुआ करती जा रही थी। हे भगवान, किसी भी तरह से फ्लैट में कोई ना कोई नुक्स जरूर निकल आए ताकि मैं इसके लिए मना कर सकूं। लेकिन 1 BHK का वो फ्लैट पूरी तरह से देख लेने के बाद भी लैला को ऐसी कोई वजह नजर नहीं आई जिसको लेकर वो कबीर को मना कर सकती। कमरा और बालकनी देखते हुए जब वो लोग किचन में पहुंचे तो लैला ने इलॉजिकल सा बहाना बनाते हुए कहा, वैसे कबीर सर, किचन कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? उसकी बात सुनकर कबीर ने उसे सर से लेकर पैर तक घूरा और फिर तंज भरे लहजे में कहा, हाँ मुझे भी ये कुछ छोटा लग रहा है। तुम्हें तो यहाँ पूरी बारात के लिए खाना पकाना होगा ना, तो इतने छोटे से किचन में भला तुम्हारा गुजारा कैसे हो सकता है? कबीर ने ये बात कुछ इस तरह से कही कि लैला मुस्कुराते हुए खामोश हो गई, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि ये बहुत ही बेवकूफी भरा एक्सक्यूज था। कबीर उसे लिए हॉल में चला आया और बोला, तो डन रहा, मैं ब्रोकर से कहकर डील फाइनल करवा देता हूँ। मुझे तो ये जगह और ये फ्लैट दोनों ही बेहद पसंद आया, और सबसे बड़ी बात, ये सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, बेसिक नीड की सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ, तुम्हारा ये भी खर्चा बच ही जाएगा। लैला इनकार करना चाहती थी लेकिन वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रही थी। न जाने कबीर इस इनकार को कैसे अंदाज में लेता, और यहाँ इस घर के लिए इनकार करने का मतलब था कबीर को और ज्यादा टेंशन देना, और फिर अभी वो रह भी तो उसी के घर में रही थी। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद लैला को हथियार डालना ही पड़ा। उसने धीरे से कहा, आपको जैसा ठीक लगे, फ्लैट तो वाकई बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो बस मुझे थोड़ी सी रेंट की टेंशन लग रही थी। खुद को रोकते रोकते भी उसके मुंह से बात निकल ही गई। तब कबीर ने उसके चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशंस नोट करते हुए कहा, मैंने कहा ना, वो ब्रोकर तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लेगा, क्योंकि जो गलती उसने की है उसकी भरपाई तो बनती ही है। ये सुनकर लैला ने कबीर को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन ये तो गलत होगा ना कबीर सर, सिर्फ एक गलती की वजह से मैं किसी को घाटा क्यों लगवाऊं? लैला के लहजे में कुछ ऐसा था कि कुछ पलों के लिए कबीर भी खामोश हो गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने एकदम सीरियस टोन में आगे कहा, देखो लैला, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, और रेंट का क्या है, अगर कुछ ज्यादा भी हो तो भी पे करना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हें कहीं भी सिर्फ रहना ही नहीं है बल्कि तुम्हें अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। इस शहर में इतने सारे केस होते हैं जिसकी वजह से एक लड़की का कुछ बेसिक प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है। कबीर की पूरी बात सुनकर लैला हर बार की तरह इस बार भी लाजवाब हो गई थी। कबीर ने जब देखा कि वो खामोश हो गई है तो कहा, ठीक है, फिर इसे डन करते हैं, मैं तुम्हारा सामान भिजवा देता हूँ, और हाँ, रात के खाने की फिक्र मत करना, अश्विन वो भी लेता आएगा। फिलहाल ड्राइवर के हाथों तुम्हारा टीवी भिजवा रहा हूँ। कहकर वो जाने के लिए मेन गेट की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे लैला भी मेन गेट तक आ रही थी। जैसे ही कबीर ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तभी लैला ने उसे पुकारा, कबीर सर। कबीर ने पीछे मुड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा, तब लैला ने नजरें चुराते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा इतना साथ देने के लिए। मुझे पता है कि मैं आपका ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर है कि मैं इसे जिंदगी भर भूल भी नहीं पाऊंगी। लैला का इतना सा कहना था कि कबीर ने गहरी स्माइल देते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी भूलने दूंगा भी नहीं, बाय। कहकर वो सीढ़ियां उतरते हुए चला गया, जबकि लैला उसकी कई बातों में ही उलझकर रह गई थी। वाकई क्या जादू है कबीर सर की पर्सनालिटी, इनके सामने तो बंदा सिवाय इनकी बात सुनने के अपनी कोई बात कह ही नहीं सकता।
समझाने पर आए तो कोई पॉइंट नहीं छोड़ते जिस पर कोई बहस कर सके। खुद से बातें करती हुई लैला, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भागती हुई बालकनी में आ गई जहां से कबीर की कार साफ दिख रही थी। तभी कबीर भी बिल्डिंग से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ता दिखा। लैला उन्हें कार का दरवाजा खोलते हुए देख रही थी। तभी जैसे अचानक से कुछ जादू सा हुआ और कबीर ने अपना सिर ऊपर करते हुए लैला की बालकनी की तरफ देखा। दोनों की नजरें टकराई और दोनों के ही होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। कबीर ने वहीं खड़े रहकर कार से टीवी निकालने में ड्राइवर की मदद की और ड्राइवर वो टीवी लिए लैला के फ्लैट के लिए बढ़ गया। लैला ने हॉल में वापस आकर ड्राइवर से ही वो टीवी वहीं हॉल में रखवाया और ड्राइवर के वापस लौटते ही फिर से भागती हुई बालकनी में वापस आ गई। उसे वापस बालकनी में आया देखकर कबीर ने उसे हाथ हिलाकर बाय किया और गाड़ी में बैठ गया। लैला उसे तब तक देखती रह गई जब तक कि उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। इधर नरेन ने सुहासिनी को फोन करके अपने सीरियल की टीआरपी की डिटेल बताई और साथ ही ये भी कि कुछ ही हफ्तों में उसके काम को कितना सराहा जा रहा है। सुहासिनी भी ये सुनकर बेहद खुश हो रही थी, और होती भी क्यों नहीं, नरेन के बचपन का ये सपना अब सिर्फ नरेन का तो नहीं था, खुद सुहासिनी की जिंदगी भी उससे जुड़ी हुई थी। फिर नरेन ने उसे आंचल और अरुण की पार्टी करने वाली बात बताई और कहा, अरुण और आंचल चाहते हैं कि तुम भी इस पार्टी में आओ। मैं? लेकिन क्यों? उन लोगों ने तो कभी मुझसे बात भी नहीं की है। सुहासिनी के सवाल पर नरेन ने बताया, वो दरअसल उन्होंने जब मुझे भी साथ चलने को कहा तो मैंने तुम्हारे एब्सेंस में पार्टी करने का मन नहीं होने की बात कही। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम भी हमें ज्वाइन कर लो तो मैं भी पार्टी में रहूंगा ही रहूंगा। नरेन की इस बात पर सुहासिनी को हंसी आ गई। भला ये क्या बात हुई नरेन, मैं वहां नहीं आ सकती, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन तुम मेरे बिना पार्टी अटेंड नहीं करोगे, ये तो एकदम इलॉजिकल है। तुम प्लीज जाओ और एंजॉय करो, हम लोग साथ में फिर कभी पार्टी कर लेंगे। लेकिन नरेन उसके इतना कहने के बावजूद भी इनकार करता रहा। मगर सुहासिनी भी एक नंबर की जिद्दी थी, उसने भी नरेन को राजी करके ही दम लिया। उसकी दलीलें सुन सुनकर फाइनली नरेन ने हथियार डालते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, चला जाऊंगा मैं, अब खुश? सुहासिनी ने एक जबरदस्त ठहाका लगाते हुए कहा, बहुत खुश। कहकर सुहासिनी फिर उसे अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में बताने लगी। कबीर के कहे मुताबिक अश्विन ने लैला का सामान और खाना पहुंचा दिया था और उस पर अश्विन ने लैला का टीवी भी सेट कर दिया था, और लैला को घिरती हुई शाम देखकर इस बात का अच्छे से एहसास हो गया कि वाकई में ये टीवी होना कितना जरूरी था। अश्विन के जाने के बाद उसने टीवी ऑन किया तो चौंक सी गई, एक फिल्मों वाले चैनल पर कबीर की ही फिल्म आ रही थी। लैला ने जब वो फिल्म देखना शुरू किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कबीर को जितना सामने से जाना है, कबीर तो उससे कहीं ज्यादा गहरी शख्सियत रखता है। लैला के सामने कबीर के किरदार की नई परत सामने आ रही थी, और हर नई परत के साथ लैला का उसकी शख्सियत से जुड़ाव गहरा होता जा रहा था। अगले दिन लैला जब सेट पर पहुंची तो कबीर ने उसे देखते ही सबके सामने ही सवाल कर डाला, तो मिस लैला, अपने नए घर में पहला दिन कैसा गुजरा? लैला ने कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अच्छा था सर। तब कबीर ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि या तो तुम अकेले होने के डर की वजह से सो नहीं पाई या फिर कुछ ज्यादा ही देर टीवी देख लिया। लैला ने यह सुनते ही झट से वहां मौजूद दूसरे लोगों के चेहरे पर नजर डाली। लैला की तरह बाकी लोग भी ये सुनकर कुछ चौंक से गए थे। कबीर को लैला और उसके घर के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम हो सकता है? और सबसे ज्यादा सख्ती तो सुजॉय के चेहरे पर नजर आ रही थी। उसने कुछ गुस्साते हुए एक स्पॉट बॉय को कहा, 3 बार बोल चुका हूँ शाह साहब के केबिन से स्क्रिप्ट लाने, लेकिन तुम लोगों को फुर्सत ही नहीं, अभी ये मैडम क्या रिहर्सल करेंगी?
उसे इस तरह गुस्सा करते हुए देख लैला ने जल्दी से कहा, अच्छा आप उन्हें मत डांटिए, मैं उधर ही जा रही हूँ, खुद ले लूंगी। कहकर लैला सबसे नजरें चुराते हुए सबके सामने से निकलकर शाह साहब के केबिन की तरफ बढ़ गई। यूं भी कबीर का उसके बारे में ऐसे सबके सामने डिस्कस करना लैला को कुछ अच्छा नहीं लगा था। शाह साहब के केबिन में आकर उसने देखा कि वो अपने केबिन में मौजूद नहीं है। तब लैला ने टेबल के आसपास और वहां के सारे ड्रॉर देखने लगी, लेकिन उसे कहीं भी स्क्रिप्ट की कॉपी नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नजर ड्रॉर में ही रखे एक फाइल पर पड़ी जहां उसका नाम लिखा था। उसने एक बार उस पर से नजरें हटाकर फिर से अपनी तलाश जारी रखी, लेकिन न जाने उन पेपर्स में क्या था। लैला की नजरें एक बार फिर से उन पर जा चिपकी और उसने उन पेपर्स को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। और यही वो पल था कि उन पेपर्स में लिखी लाइंस लैला को साफ साफ पढ़ी जाने लगी। पूरे पेपर्स पढ़ते हुए लैला को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बुरी तरह से ठगी चली गई है। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।